दोस्तों आज का वीडियो हमारा काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डोर और विंडो को फिक्स करने का सही तरीका क्या है। इसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। वेलकम टू बिल्डटेक, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी किसी आप डोर फ्रेम को फिक्स करें या विंडो फ्रेम को फिक्स करें तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप उसे मोर्टार से फिक्स ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे उसके होल्ड फास्ट आते हैं यानी ऑफसेट जहाँ पे आते हैं वहाँ पे लोग ब्रिक को काट देते हैं और उसमें मोर्टार भर करके वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। टेम्परेरी वो डोर तो फिक्स हो जाता है, लेकिन बाद में जब डोर में पैनल लगते हैं, उसके पल्ले लग जाते हैं, तो कुछ दिन बाद जो है वो हिलने लगता है वहाँ से। कभी कभी प्लास्टर भी उसका टूट के गिर जाता है। तो आपको ध्यान ये देना है, डोर और विंडो दोनों जब भी आप फिक्स करें उसका जो ऑफसेट है वहाँ पे आप खूब अच्छे से कंक्रीटिंग करें और उसको कंपैक्ट अच्छे से करें। देखिए वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने जो है कंक्रीटिंग कर रखा है। इस विंडो में दोनों साइड से दो दो होल्ड फास्ट हैं, चार है। नीचे के दोनों जो हमने फिक्स कर दिए हैं, ऊपर के दोनों खुले हुए हैं। ये देखिए बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ। और डोर और विंडो में आपको ये भी चेक करना है कि उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सही हो। और विंडो के नीचे अगर आप बेस पे सील दे दें तो वो भी अच्छा होता है। विंडो सील भी देनी चाहिए। इस तरह से आपको फिक्स करना है। यहाँ पे देखिए जो है हमने विंडो को जो है बांध रखा है, एक तरफ से हमने बांस लगा रखा है, एक तरफ से रस्सी लगा रखा है ताकि इसका ये प्योर वर्टिकल हो और हिले ना। और नीचे के होल्ड फास्ट को हमने जो है कंक्रीट से फिक्स कर रखा है। ऊपर के होल्ड फास्ट को अभी हमने छोड़ा है, इसमें भी हम कंक्रीटिंग करेंगे। दोस्तों इस तरह से आपको जो है एक छोटी सी गलती से बचना है। यहाँ पे जो है आपको देखने में लग रहा है कि ये काफ़ी छोटी गलती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी गलती है। इससे आपके डोर और विंडो ख़राब हो जाते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।